वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कल पढ़ रहे थे महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह में हमने ये देखा था कि वो राजा कैसे बने, पन्ना दाई का क्या बलिदान था जिसके कारण वो राजा बने, वो सब हम कल देख चुके हैं। अब आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ मावली। मावली की बैटल दो जनों के बीच में हुई थी, एक तो उदय सिंह के बीच में हुई थी और दूसरे बनवीर के बीच में हुई थी। अब बनवीर तो राजा था, उदय सिंह को घोषित करा था राजा, लेकिन उससे पहले बनवीर तो ऑलरेडी वहां का राजा था। अब फिर जब उदय सिंह को राजा घोषित करते हैं, उसके बाद में उनको चित्तौड़ लेके आते हैं। फिर बनवीर और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? मावली का युद्ध होता है। मावली में बनवीर हार जाता है और उदय सिंह जीत जाता है। इसमें एक बात याद रखना, मावली के युद्ध में जोधपुर के राजा मालदेव ने भी इसमें हिस्सा लिया था। बाद में मालदेव की दुश्मनी हो जाती है किससे? उदय सिंह से। क्यों हो जाती है? मालदेव कहीं शादी करना चाहता था और वहां पे उदय सिंह ने कर ली, इसलिए उसके बीच में अनशन मतलब अनशन बनी हुई रहती थी, इसलिए वो बाद में इसके खिलाफ हो जाता। लेकिन याद रखना, मावली के युद्ध में किसने उसका सपोर्ट किया था? मालदेव ने उसका सपोर्ट किया था। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बैटल ऑफ ये देखने के पहले हम ये देखते हैं कि महाराणा उदय सिंह के फादर का क्या नाम था? सांगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को याद रखनी पड़ेगी, महाराणा सांगा। इसके बाद में मम्मी का क्या नाम था? कर्मावती। कर्मावती। पापा का नाम तो सांगा था, मम्मी का क्या नाम था? कर्मावती नाम था। इसके बाद में ये बैटल लड़ते हैं, किस किस के बीच में होती है? सांगा वर्सेस बनवीर। सांगा वर्सेस बनवीर इसमें उदय इसमें सॉरी सॉरी सांगा नहीं उदय सिंह। उदय सिंह वॉन दिस बैटल। हेल्प के लिए कौन आता है उदय सिंह की? मालदेव। मालदेव कहाँ का राजा था? जोधपुर का। ठीक है, कहाँ का राजा था? जोधपुर का। तो कौन हेल्प करने आता है? मालदेव हेल्प करने आता है। ऐसे जैसे टाइम बीतता जाता है और महाराणा उदय सिंह अपना राज अच्छा खासा स्थापित कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ अच्छा खासा बसा लेते हैं। पहले से ही बसा था, उसकी तरक्की के लिए वो हर काम करते हैं। लेकिन उस टाइम आपको पता है मुगल भी हिंदुस्तान में आ चुके थे। जब उदय सिंह थे तब राजा कौन था? अकबर। अकबर की नजर किस पे थी? चित्तौड़गढ़ पे थी कि अगर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया तो हम पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकेंगे। क्योंकि जो मेन सबसे बड़ी शक्ति थी उस टाइम, तो वो कौन थे? राजपूत। यानी मेवाड़ सबसे पावरफुल किंगडम था पूरे इंडिया का। तो वो क्या करता था कि कैसे ना कैसे करके हमको चित्तौड़गढ़ पे कब्जा करने को मिल जाता। वो इस फिराक में रहता था कि कब मैं चित्तौड़गढ़ पे अपना अधिकार जमाऊं। लेकिन उदय सिंह ने बहुत सारी इसकी कोशिशें नाकाम करी। थोड़े दिन के बाद उदय सिंह अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे। कहाँ पे गए थे? अपने कुलदेवी माता के दर्शन करने गए थे। वहां पे गए ये। इसके बाद में जब वो कुलदेवी माँ के दर्शन करने जा रहे थे तो उनके बीच में जब निकल रहे थे, वहां पे उनको एक शहर दिखा। कौन सा शहर दिखा? अहड़। अहड़ शहर याद आया होगा कि मैंने आपको अलर्ट के टाइम पढ़ा था कि अलर्ट की राजधानी क्या थी? अहड़ थी। तो इसको अहड़ दिखा कि ये हमारी पहले राजधानी हुआ करती थी, क्यों ना यहाँ पे एक नया देश बसाए, मतलब अहड़ को डेवलप करे। तो उदय सिंह बोलते हैं कि चलिए अपन अहड़ को डेवलप करते हैं। फिर वहां के थोड़ा दूरी एक पहाड़ था, वहां पे एक साधु बाबा बैठे थे। साधु बाबा महाराणा उदय सिंह को बुलाते हैं, बोलते हैं जहां मैं बैठा हूँ वहां पे तू अपना गढ़ बना, अपना मतलब एक पूरा सिटी एस्टेब्लाइज कर, एक सिटी को बसा। यहाँ पे अगर बसाएगा तो ज्यादा टाइम तक तेरी सिटी यहाँ पे मतलब बसी रहेगी, अगर अहड़ में बसाएगा तो कुछ दिन बाद ये उजड़ जाएगी। तो उदय सिंह उनकी बात मानते हैं। फिर वो वहां पे एक पूरा का पूरा शहर बसाते हैं जिसको आज हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। उदयपुर किसने बसाया था?
महाराणा उदय सिंह ने बताया था, इसलिए उनके नाम से बना गया था। तो उनका क्या नाम था? उदय सिंह। इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? उदयपुर। क्या नाम रखा गया? उदयपुर। उदयपुर किसके उसमें बना था? महाराणा उदय सिंह के नाम से बना था। क्या बना था? उदयपुर। अब उदयपुर में इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे हम देखते हैं एक एक करके। इन्होंने एक उदय सागर लेक बनवाई। उदय के नाम से आप जान गए होंगे कि महाराणा उदय सिंह ने ये बनवाई थी। तो कौन सी लेक बनवाई थी? उदय सागर लेक। ठीक है, इसी बात में इन्होंने एक और बनवाया, मोटी मगरी। मोटी मगरी पैलेस। मोटी मगरी पैलेस इन्होंने बनवाया था हेयर, मतलब उदयपुर में। क्या बनवाया था इन्होंने? एक महल बनवाया था। किसने बनवाया था? उदय सिंह ने बनवाया था। और मोती सागर नगर जो पैलेस था वो भी उदय सिंह ने बनवाया था। अब जब ये सब बन रहा था, उदय सिंह जी अपने उदयपुर को बसाने में व्यस्त थे, उस टाइम अकबर कर देता है अटैक। कहाँ पे अटैक करता है वो? चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर देता है। अकबर अटैक ऑन चित्तौड़गढ़। कहाँ पे अटैक कर देता है अकबर? चित्तौड़गढ़ पे। जब चित्तौड़गढ़ पे अटैक करता है अकबर, उस टाइम उदय सिंह जी महल में नहीं होते, होते हैं वो पर उनको पहले ही महल से निकाल दिया जाता है कि आप सेफ रहोगे, तब जाके हम अगर हार भी जाते हैं तो आप इसको दोबारा बसा सकते हो। इसलिए उनको वहां से निकाल दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की में हमने छोटा सा आज टॉपिक था, आज मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि कल वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ पूरी एक क्लास में ही वो कवर हो जाए। तो कल वाली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ का तीसरा शाखा। पहला कौन सा हुआ था? पद्मनी एन रतन सिंह। दूसरा हुआ था कर्मावती। और थर्ड होगा ये वाला। इसका जो पूरा का सारे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आशा देवपुरा जो हमने कल एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से पीएससीएम थे जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था। किसी ने एक कमेंट किया है हीरा लाल देवपुरा इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर सही है। तो बस मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।